ये 55 किलोग्राम भार वर्ग की मेन प्रतियोगिता यूथ और जूनियर्स नेशनल चैंपियनशिप्स कुंभेश्वर मलिक उड़ीसा के प्रतियोगी, पहला प्रयास इनका स्नैच का 85 किलोग्राम। बार को मजबूती से पकड़ते हुए कुंभेश्वर और ये प्रयास शुरू, ऊपर गया और अच्छा बैलेंस, अच्छी लिफ्ट, मेरी राय में गुड लिफ्ट। देखें रेफरी क्या देते, यस गुड लिफ्ट, ऑल थ्री वाइट्स। टाडार अगुंग ये अरुणाचल के प्रतियोगी, इनका भी पहला प्रयास 85 किलोग्राम पर स्नैच का। बार को मजबूती से बराबर पकड़ने की कोशिश, पोजीशन ली, कंसंट्रेट किया और पुल किया, पुल के बाद वेट ऊपर गया लेकिन थोड़ा सा शोल्डर डाउन है, लेकिन गुड लिफ्ट कही जाएगी ये भी, लेकिन रेफरीज ने नहीं मना कर दिया, नो लिफ्ट। बारबल की तरफ धीरे धीरे पहुंचते हुए विजय कुमार छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी, पहला प्रयास ये लिफ्ट किया, अच्छा पुल सही मौके पर पकड़ा और ये डाउन, गुड लिफ्ट। पुदुचेरी के प्रतियोगी, पहला प्रयास इनका भी 85 किलोग्राम पर बार को ग्रिप किया, कंसंट्रेट करने की कोशिश, एकाग्रता लाने का प्रयास और शुरू, अच्छा पुल ऊपर गया, अच्छा होल्ड किया और ये गुड लिफ्ट इनकी, रेफरीज के भी डिसीजन गुड लिफ्ट। ताडार अगुंग इनका दूसरा प्रयास स्नैच का, बारबल को नाप कर बराबर मजबूती से पकड़ने का प्रयास और ये कंसंट्रेट किया इन्होंने, पुल स्टार्ट किया, अच्छा पुल होल्ड किया, थोड़ा बैलेंस पीछे गया, बैलेंस करने की कोशिश की और ये डाउन, रेफरीज का डिसीजन गुड लिफ्ट। और अब एक बार फिर तीसरी बार स्नैच के लिए वेट बढ़ाकर 88 किलोग्राम पर आ रहे हैं अरुणाचल के प्रतियोगी तादार अगुंग, 85 किलोग्राम भार उठाया था दूसरे प्रयास में, ये उनका तीसरा प्रयास 88 किलोग्राम पर, बार को मजबूती के साथ पकड़ते हुए पूरी कोशिश में तादार अरुणाचल के प्रतियोगी, और ये पुल किया और ऊपर गया, पकड़ा स्नैच की, रेफरी ने कहा डाउन, सिग्नल डाउन को, और ये गुड लिफ्ट, तीनों सफ़ेद, तीनों जजमेंट दिया गुड लिफ्ट। पहला प्रयास 85 किलोग्राम का सफल रहा था, इस बार 89 किलोस दूसरे प्रयास में स्नैच विधा, सेंटर में खड़े होने की कोशिश, कंसंट्रेट किया थोड़ा सा, बारबल को बराबर दोनों तरफ से मजबूती के साथ पकड़ा और एकाग्रता लाने का प्रयास, ये पुल किया स्नैच की, सही बैलेंस, अच्छा प्रयास इनका और ये गुड लिफ्ट। अब आ रहे हैं अरुणाचल के एक दूसरे प्रतियोगी नंबर दो, इनका देजुम गाड़ी, इनका पहला प्रयास स्नैच का 90 किलोग्राम से शुरू कर रहे हैं, बारबल पर पहुंचे, बराबर पकड़ने की कोशिश, पोजीशन ली, एक बार फिर दोबारा रीपोजिशन करते हुए पुल किया, बहुत अच्छा पुल, अच्छी ट्राई, देखते हैं गुड लिफ्ट, तीनों रेफरीज ने दिया गुड लिफ्ट डिसीजन। अब आ रहे हैं अरुणाचल के प्रतियोगी नंबर चार गोलोम टिंकू, 90 किलोग्राम पर पहला प्रयास स्नैच का, गोलोम अरुणाचल के तीसरे प्रतियोगी इस कैटेगरी में, ये पोजीशन ली, पुल किया और ये बहुत अच्छी स्नैच, स्पीडी स्नैच, बहुत युवा खिलाड़ी, बहुत सुंदर खिलाड़ी अरुणाचल के, और ये गुड लिफ्ट डिसीजन। अब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी करण लहरे, बारबल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे सेंटर किया अपने आप को, थोड़ा एकाग्रता लाने की कोशिश, बारबल को मजबूती के साथ पकड़ा और ये इनका पुल स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा पुल, बहुत बढ़िया स्नैच इनकी, बैलेंस्ड और दिस इज गुड लिफ्ट। अब आ रहे हैं महाराष्ट्र के प्रतियोगी अभिषेक महाजन, और ये स्नैच की, अच्छा स्नैच, अच्छा पुल, डाउन किया वेट,
आ रहे हैं उड़ीसा के प्रतियोगी, प्रतियोगी नंबर 3 कुंभेश्वर मलिक, उड़ीसा के प्रतियोगी। दूसरा प्रयास इनका 90 किलोग्राम पर, पहला प्रयास 85 किलोग्राम का सफल रहा था। बारबल को मजबूती के साथ कंसंट्रेशन से पकड़ते हुए ये पोजीशन ली इन्होंने, सांस भरा और ये पुल किया, लेकिन बैलेंस नहीं बना सके, पूरा ऊपर नहीं खींच सके और ये नो लिफ्ट गिरा दिया वेट इन्होंने। विजय कुमार महेश्वरी, दूसरा प्रयास 90 किलोग्राम पर स्नैच में ये पोजीशन ली, एकाग्र किया अपने आप को और ये पुल स्टार्ट किया और पुल ऊपर, बहुत अच्छा प्रयास विजय कुमार का और ये डिसीजन गुड लिफ्ट ऑल थ्री वाइट्स। और एक बार फिर कुंभेश्वर मलिक उड़ीसा के प्रतियोगी अपने तीसरे प्रयास के लिए स्नैच में, पहला प्रयास इनका असफल रहा था, तीसरा और अंतिम प्रयास स्नैच का 90 किलोग्राम पर, इनकी पूरी कोशिश रहेगी इस बार इसको पास करें और ये पुल किया और ऊपर गया, होल्ड किया, अच्छे स्नैच, बहुत अच्छा प्रयास और ये गुड लिफ्ट, रेफरीज डिसीजन गुड लिफ्ट। और अब आ रहे हैं पुदुचेरी के प्रतियोगी दांदू प्रोलू नागुरु बाबू, आराम से बारबेल में आए, अभी 14 सेकंड बाकी हैं, बारबेल को मजबूती के साथ पकड़ते हुए और ये पोजीशन ली इन्होंने और ये उठाया, ये पुल किया, ऊपर गया लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए और वेट पीछे गिरा, खुद आगे आ गए और ये नो लिफ्ट। शंकर लापुंग, युवा खिलाड़ी, बड़ी उम्मीद है इनसे आगे चलकर वेट लिफ्टिंग को, 27 सेकंड बाकी, ये पोजीशन ली, पुल स्टार्ट किया और ये पुल बहुत अच्छा पुल किया, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा और ये गुड लिफ्ट थ्री वाइट्स, बहुत अच्छा प्रयास। देवेंद्रन पृथ्वीराजन, पहला प्रयास 36 सेकंड में पूरा करना है, अगर ये इस समय में पूरा नहीं करते हैं तो उसको टाइम अप कह के नो लिफ्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन उम्मीद है कि ये इसको पूरा करेंगे। ये पुल किया बहुत अच्छा, फास्ट पुल, बहुत ऊपर जाकर रोका, बैलेंस थोड़ा आ गया, बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन गुड लिफ्ट ऑल थ्री वाइट्स। बारबेल को मजबूती के साथ पकड़ते हुए पूरी कोशिश, कहीं कोई कसर न रह जाए, बहुत दूसरा प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट प्रयास होता है, इसमें आदमी खिलाड़ी कवर करता है और ये बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर प्रयास इनका, बहुत अच्छा बैलेंस और ये डिसीजन गुड लिफ्ट ऑल थ्री वाइट्स। और ये तीसरा प्रयास 94 किलोग्राम पर उठाने की कोशिश, बारबेल को पकड़ते हुए पोजीशन ली और ये लिफ्ट किया, बहुत अच्छा सुंदर साफ सुथरा प्रयास विजय कुमार का, छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी, थ्री वाइट्स गुड डिसीजन। तैयारी करते धीरे धीरे बारबेल की तरफ बढ़ते हुए, सेंटर में खड़े हुए, साइड से पकड़ा, मजबूती के साथ पकड़ना होता है और ये पोजीशन ली देजुम गाड़ी अरुणाचल के प्रतियोगी, दूसरा प्रयास 95 किलोग्राम पर ये उठाया और ये ऊपर गया, थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन किसी तरह बैलेंस किया, अपने आप को टाइट किया और ये बहुत अच्छा प्रयास इनका देजुम गाड़ी अरुणाचल के प्रतियोगी का, थ्री वाइट्स। 90 किलोग्राम सफलतापूर्वक पहले प्रयास में उठा चुके हैं, छत्तीसगढ़ ने कई अच्छे लिफ्टर्स दिए हैं जिनमें से एक नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर रुस्तम सारंग भी थे और अब करण लहरे मजबूती के साथ बारबेल को पकड़े हुए कंसंट्रेट किया, लिफ्टिंग शुरू की और उठाया, थोड़ा सा पीछे गया था लेकिन संभालने में कामयाब रहे, बहुत अच्छी लिफ्ट जजमेंट। अभिषेक महाजन, दूसरा प्रयास इनका, थोड़ा सा एकाग्रचित हुए, फिर बारबेल पर आए और उसको मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश इनकी,
पकड़ा और पुल किया, लेकिन पूरा ऊपर ठीक से नहीं लॉक कर पाए, एल्बो बैंड हुई और नीचे पीछे गिरा, बैलेंस भी नहीं बना पाए। पूरी तैयारी के साथ पहला प्रयास माधवन का 96 किलोग्राम पर स्नैच का 30 सेकंड में पूरा करना है। अब से बारबेल पकड़ा, ये पुल करने की तैयारी, ये पुल किया सेकंड पुल और ये ऊपर टांग दिया। बहुत सुंदर प्रयास, एकदम कोऑर्डिनेटेड प्रयास इनका, गुड लिफ्ट जजमेंट, गुड लिफ्ट। शंकर लापुंग पहला प्रयास 93 किलोग्राम पर अपना पूरा कर चुके हैं, 96 किलोग्राम पर उठाने की कोशिश, तैयारी, पोजीशन ली, बहुत सुंदर पोजीशन, ये प्रयास शुरू किया और ये ऊपर खींचते हुए लेकिन सिर में लगा, पूरा पुल नहीं आया और नहीं कर सके, असफल प्रयास शंकर लापुंग का। पहले दोनों प्रयास इनके सफल रहे थे, 90 किलो और 93 किलो का, अच्छे युवा प्रतियोगी, बहुत सारी उम्मीदें हम इनसे रख सकते हैं, यूथ कैटेगरी में अभी शुरुआत है इनकी, अरुणाचल ने कई अच्छे प्रतियोगी दिए हैं, गोलोम टिंकू देखिए क्या कर पाते हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छी कोशिश, कंसंट्रेट में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे, 20 सेकंड बाकी, इसमें इन्हें पूरा करना, और शुरू किया और पुल किया, बहुत अच्छा पुल, लेकिन बैलेंस पीछे गया, नहीं रोक पाए और ये असफल प्रयास। थोड़ी सी चहलकदमी, बारबेल को देखा, कंसंट्रेट करने की कोशिश होती है खिलाड़ी की, तरह तरह के एक्शन करते हैं सब, कोई कुछ जो चिल्लाता है, लेकिन ये आए सेंटर में, बारबेल को पकड़ने की पूरी मजबूत से कंसंट्रेट किया और पुल स्टार्ट, पुल मारा है लेकिन पूरा पुल नहीं खींच पाए, थोड़ी सी चहलकदमी, धीरे धीरे बारबल पर पहुंचे, नाप कर बराबर मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश ताकि बैलेंस बना रहे, 16 सेकंड बाकी और इसमें पूरा करना है, लेकिन अच्छा पुल था, फॉरवर्ड रहा, नहीं बैलेंस बना पाए, वेट गिरा और ये नो लिफ्ट, 1 मिनट का कुल समय मिला था इनको, 34 सेकंड बाकी, बारबल पर पहुंचे, ग्रिप किया, बार बार उसको मजबूती से पकड़ने की कोशिश, पोजीशन ली, पुल शुरू किया, पुल किया और लेकिन ये पुल ज़्यादा, खुद नीचे बैठ गए, नहीं होल्ड कर पाए, पीछे गिरा, बैलेंस नहीं बना और ये नो लिफ्ट, असफल प्रयास इनका। कंधे में कुछ, राइट शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम, टेप किया हुआ है उसको, और ये बारबेल को मजबूती से पकड़ा, पोजीशन ली, पुल स्टार्ट किया, अच्छा पुल, बैलेंस बनाने की कोशिश, लेकिन नहीं, बारबेल पीछे जा रही थी, बैलेंस बनाने की कोशिश की, वेट आगे गिरा और ये नो लिफ्ट। अब आ रहे हैं पीयूष सिंह, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी, पहला प्रयास, अपने पहले प्रयास में ही 98 किलोग्राम उठाने की कोशिश स्नैच के, एकाग्र करते हुए अपने को, अलग अलग तरीकों से प्रतियोगी एकाग्र करते हैं, पोजीशन ली, कंसंट्रेट किया और ये एक बार फिर मजबूती से पकड़ा, स्टार्ट किया, अच्छा पुल, ऊपर गया, वहीं रोका उसको, बहुत अच्छा लॉक किया है और ये अपने संतुष्टि जताते हुए, गुड लिफ्ट। बारबेल को आगे पीछे किया अपनी इच्छा के मुताबिक, कर सकता है खिलाड़ी, 30 सेकंड का समय बाकी, इसमें इन्हें पूरा करना है, ग्रिप किया, कंसंट्रेट कर रहे हैं, तीसरा प्रयास है, ओह नो, ये भी पीछे गया और करण लहरे छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी नहीं उठा सके, असफल प्रयास इनका। प्रशांत ये महाराष्ट्र के प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी नंबर 13 प्रशांत सुरेश कोहली, अच्छे प्रतियोगी महाराष्ट्र के, पोजीशन ली और ये शुरू किया, अच्छा पुल, बैलेंस बनाया, पीछे जा रही थी बारबेल लेकिन नहीं जाने दिया, बैलेंस बनाया प्रशांत ने और ये गुड लिफ्ट प्रशांत की, महाराष्ट्र के प्रतियोगी 100 किलोग्राम, ये भी पहले प्रतियोगी की तरह 100 किलोग्राम से शुरुआत कर रहे हैं स्नैच की, बहुत
बारबेल पे आए, बराबर पकड़ने की कोशिश, मजबूती से पोजीशन ली, सुंदर पोजीशन बनाई और ये पुल किया, अच्छा पुल, बहुत ठक से इन्होंने एकदम लॉक किया उसको, बहुत सुंदर कॉन्फिडेंट से पास की लिफ्ट, गुड लिफ्ट। थोड़ा सा आवाज़ निकाल के तेज़ी से बारबेल पकड़ी, पोजीशन ली, पुल किया, बहुत अच्छा पुल, ऊपर एकदम सटीक वर्टिकल पुल, अच्छा लॉक किया और ये डिसीजन, गुड लिफ्ट, ऑल थ्री गुड लिफ्ट, थ्री वाइट्स। आ रहे हैं तमिलनाडु के प्रतियोगी आर माधवन, और आवाज़ निकाल कर अपने आप को एकाग्रचित किया, बारबेल पकड़ी, पोजीशन ली और ये पुल किया, बहुत अच्छा सुंदर पुल, इजी स्नैच जिसे बोलते हैं, गुड लिफ्ट, ऑल थ्री वाइट्स। पहला प्रयास 1 किलोग्राम और बढ़ा दिया इन्होंने पहले प्रतियोगी से, अब तक का सबसे ज़्यादा वजन मुन्ना नायक स्नैच में 101 किलोग्राम से शुरुआत करते हुए, काफ़ी सुघड़ शरीर, ट्रेंड मसल्स, पोजीशन ली और ये पुल किया, वो बैलेंस गया पीछे लेकिन एक स्टेप पीछे लेकर उसको रोका, रोकने में सफल, और ये बहुत सुंदर प्रयास, सफल प्रयास मुन्ना नायक का। दूसरे प्रयास में 102 किलोग्राम मांगा है, पहले 98 किलोग्राम उठाने में सफल हुए थे पहले प्रयास में, और बारबेल को बड़े एक अंदाज में निहारते हुए, देखिए क्या करते हैं, पूरा कोशिश उठाने की इसको, बहुत इम्पोर्टेंट लिफ्ट है इनके लिए, ये 4 किलोग्राम बढ़ाकर आए हैं पहले प्रयास से, ये मजबूती से पकड़ने की कोशिश, बार 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 पुल किया, वो पुल बहुत अच्छा पुल, पीछे जा रहा था लेकिन रोका इन्होंने, रोका, बहुत सुंदर प्रयास पीयूष सिंह का, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी, सफल प्रयास। तेजी से पैर पटके प्लेटफार्म पर, बीच में सेंटर में खड़े होने की कोशिश, बारबेल को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रहे हैं, जितना मजबूती से पकड़ेंगे उतना आसान होता है वेट उठाना, ये उठा, पुल किया और बहुत अच्छा सुंदर ऑप्टिमम प्रयास इनका, और करके चलते बने, गुड लिफ्ट। 55 किलोग्राम मैन ग्रुप ए यूथ एंड जूनियर्स नेशनल चैम्पियनशिप्स, प्रशांत, बड़े शांत स्वभाव के, धीरे धीरे बारबेल को आए पकड़ा, अपने आप को तैयार करते हुए ये पुल शुरू किया, और बहुत अच्छी कोशिश उठाने में सफल, सफल प्रयास, गुड लिफ्ट। 104 किलोग्राम भार उठाने की कोशिश, पहला 100 किलोग्राम का बहुत सुंदर प्रयास इन्होंने किया था, अपनी बेल्ट को अच्छी तरह से कसते हुए ताकि कोई किसी तरह की इंजरी ना हो, सपोर्ट अलाउड है, बेल्ट की चौड़ाई 120 एमएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बारबेल पर पहुँचे, मजबूती से पकड़ा, पोजीशन ली, सुंदर लग रहे हैं देखने में पोजीशन, डायगनल, और ये पुल किया लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा था, रोकने में सफल रहे राजेंद्र, बहुत अच्छा सुंदर प्रयास, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इसे बैलेंस बिगड़ते हुए स्नैच में रोक पाए, गुड लिफ्ट। सरगढ़ महाराष्ट्र के दूसरे प्रतियोगी, इनको मिला है नंबर 16, दूसरा प्रयास इनका 104 किलोग्राम उठाने की कोशिश, पहला 100 किलोग्राम पर सुंदर प्रयास इन्होंने किया था, सफल रहा था, 6-7 लिफ्ट बाकी इस कैटेगरी में, पोजीशन ली, पुल किया और लेकिन पुल पूरा ऊपर तक नहीं कर पाए और एल्बो लॉक नहीं हुई इसलिए वेट गिरा, बैलेंस नहीं बना पाए, और ये नो लिफ्ट। मुन्ना नायक उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगी नंबर 6, दूसरा प्रयास 105 किलोग्राम पर, पहले 101 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठा चुके हैं स्नैच में, और लोडर्स 105 किलोग्राम लोड कर रहे हैं, प्रतियोगी स्टेज पर आ चुके हैं, धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए कंसंट्रेट कर रहे हैं कि बारबेल लोड हो तो मैं इसको सफलतापूर्वक उठाऊं। मुन्ना नायक उड़ीसा के प्रतियोगी, अच्छे प्रतियोगी, और बारबेल लोड हो चुकी है, समय चालू हो गया इनका,
बार को थोड़ा आगे किया इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार, 4x4 मीटर का प्लेटफार्म, उस पर कहीं भी खिलाड़ी अपनी सुविधा के अनुसार बारबेल को रख सकता है, बट उनको रेफरी की तरफ फेस करना होता है, 3 रेफरी जूरी की तरफ फेस करना होता है। पोजीशन ली, सुंदर पोजीशन, पुल किया, अच्छा पुल, लेकिन थोड़ा आगे रहा, ठीक से लॉक नहीं कर पाए, ओवर दी हेड, और ये असफल प्रयास मोन्ना नायक का। पहले 2 प्रयास 98 किलो और 102 किलो सफलतापूर्वक दर्ज करा चुके हैं, और ये अंतिम और सबसे ज़्यादा 105 किलोग्राम प्लेटफार्म पर खड़े हुए कंसंट्रेट किया, बारबेल सेंटर में खड़े हुए फिर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने ईस्ट को याद करते हुए कि शायद मेरी कुछ मदद हो, मैं कुछ कर पाऊँ, इसको उठा पाऊँ। 30 सेकंड बाकी, मजबूती से पकड़ा, बार बार मजबूती से पकड़ने की कोशिश, कहीं कोई कसर ना रह जाए, और ये शुरू किया, पुल किया, बहुत अच्छा पुल, बहुत सुंदर, ओवर दी हेड लॉक किया एकदम खटाक से, और बहुत खुशी जाहिर करते हुए हाथ उठाकर, ये गुड लिफ्ट, ये न्यू नेशनल रिकॉर्ड। और अब आ रहे हैं प्रशांत सुरेश कोहली, महाराष्ट्र के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास, अभी 105 किलोग्राम का नया रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इन्होंने 106 किलोग्राम मांगा है, और अगर ये इसको सफलतापूर्वक उठाते हैं तो ये उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक और नया रिकॉर्ड होगा। प्रशांत सुरेश कोहली, महाराष्ट्र के प्रतियोगी, पोजीशन ली, कंसंट्रेट किया, शुरू किया, और ये पुल, लेकिन नहीं, आगे रहा और पूरा लॉक नहीं कर पाए, ये असफल प्रयास। पोजीशन ली, कंसंट्रेट करते हुए शुरू किया, और ये पुल किया, पीछे जाने को तैयार, लेकिन नहीं रोका, बैलेंस बना रहे हैं, उठने की कोशिश, और उठे और खुशी से मुस्कुराए, बैलेंस बना चुके हैं कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, और बहुत सुंदर प्रयास, एक और नया शात का 106 किलोग्राम का। अगर महाराष्ट्र के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास, ये भी 106 किलोग्राम उठाने की कोशिश, लेकिन जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो रूल के मुताबिक जो राजेंद्र प्रसाद उठा कर गए हैं पुदुचेरी के प्रतियोगी, इनसे पहले उनका रिकॉर्ड माना जाएगा, जो पहले करता है किसी लिफ्ट को उसके नाम रिकॉर्ड दर्ज होता है, और मेडल भी उसी को मिलता है, प्रायोरिटी भी उसी को मिलती है, ये रूल है, जिसने पहले किया उसको प्रायोरिटी मिलती है। पुल किया, लेकिन नहीं, संकेत सरगर, महाराष्ट्र के प्रतियोगी नहीं उठा पाए, और ये असफल प्रयास इनका, नो लिफ्ट। उड़ीसा के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास, ये भी 106 किलोग्राम उठाने की कोशिश, प्रतियोगी नंबर 6, पहले प्रयास में 101 किलोग्राम उठाया, दूसरे में 105 इन्होंने गिराया, और अब 106 किलोग्राम तीसरे अंतिम प्रयास में स्नैच के उठाने की कोशिश, बारबेल को मजबूती के साथ पकड़ते हुए, 32 सेकंड बाकी, जिस समय में इन्हें लिफ्ट पूरी करनी है, पोजीशन ली, और ये पुल किया, बहुत अच्छा पुल, बहुत सुंदर, धीरे से चुपके से उठा दिया, बहुत अच्छा, बहुत आसान, और ये एक नया रिकॉर्ड, एक तीनों वाइट लिए स्नैच, इस कैटेगरी की स्नैच प्रतियोगिता समाप्त हुई, इसके बाद क्लीन एंड जर्क होगा। अब आपके सामने ये क्लीन एंड जर्क की प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है, और इसमें नंबर 5 दादर एगुंग जो 5 नंबर सीरियल पर हैं, 112 केजी क्लीन एंड जर्क कर रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी सफाई से इन्होंने वजन को उठाया है। इनका नाम है देवेंद्रन, क्लीन एंड जर्क में 112 केजी का वजन उठाएंगे। आए, उन्होंने बारबेल के सामने अपना हाथ रखा, और इसमें मैं बता दूं कि ये इसमें दोनों हाथों को काफ़ी नज़दीक रखा जाता है, और पहले प्रयास में इन्होंने अपने वार को कंधे तक उठाया, फिर दूसरे प्रयास में इन्होंने सर के ऊपर उठाया, और काफ़ी अच्छा प्रयास उनका रहा, और ये गुड लिफ्ट हुआ। पांडिचेरी के हैं,
चैप्टर पर ये हैं और यह ये, तो जिसमें तीन तीन भारतीय रिकॉर्ड बने हैं। अब क्लीन एंड जर्क की बारी चल रही है पौंडीचेरी के 12 नंबर के खिलाड़ी डांडुर रालू, वजन को उठाते हुए बार को पकड़ा और ये इन्होंने जैसे ही लिफ्ट करना चाहते थे बारबल नीचे गिरा और इस तरह निर्णायकों ने इन्हें लो लिफ्ट। कुंभेश्वर मलिक उड़ीसा के प्रतियोगी, क्लीन एंड जर्क विधा से 114 किलोग्राम उठाने की कोशिश, ये पुल किया लेकर बैठे, क्लीन की इन्होंने, अच्छी क्लीन, आसान तो नहीं थी लेकिन प्रयास किया और हो गई। जर्क अच्छी जर्क, थोड़ा मुश्किल में ज़रूर लेकिन गुड लिफ्ट, 3 वाइट्स और इनके पास बचे हैं 30 सेकंड इस लिफ्ट को पूरा करने के लिए। स्नैच इन्होंने काफ़ी अच्छी की थी लेकिन अपेक्षाकृत क्लीन एंड जर्क में कुछ लग रहा है कि कमज़ोर साबित होते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा पावर मांगती है, क्लीन एंड जर्क पावर मांगती है। क्लीन किया, अच्छा प्रयास क्लीन का, जर्क की तैयारी, डिप एंड पुश और ये अच्छी जर्क। शंकर लापुंग का सफल प्रयास 115 किलो पर क्लीन एंड जर्क का। दूसरे प्रतियोगी गोलम टिंकू, ये भी सेम भार 115 किलोग्राम उठाने की कोशिश, क्लीन एंड जर्क में पहला प्रयास इनका भी। ग्रिप किया, एकाग्र कर रहे हैं अपने आप को, दोबारा कोशिश की, एकाग्र किया और ये पुल लेकर उठे, क्लीन, आसान सा क्लीन गोलम टिंकू के लिए 115 किलोग्राम। जर्क की तैयारी, डिप और ये जर्क, जर्क भी आसान इनके लिए, अच्छी लिफ्ट, गुड लिफ्ट, तीनों वाइट जजमेंट रेफरीज के। करण लहरे थोड़ा सा आवाज निकाल कर एकाग्र करने की कोशिश, छोटी ग्रिप अपेक्षाकृत स्नैच के क्लीन एंड जर्क में ली जाती है। पुल किया और लेकर खड़े हुए, क्लीन, अच्छा क्लीन करण लहरे का, डिप और ये पुश, अच्छी जर्क, पैर मिलाए, रेफरी के जजमेंट के इंतजार, रेफरी ने कहा डाउन। बारबेल की तरफ बढ़े, दूर से ही कंसंट्रेट कर रहे थे, थोड़ा चौड़ी ग्रिप औरों के मुकाबले, पुल किया और लेकर खड़े हुए, क्लीन, अच्छी क्लीन, आसान क्लीन, ये पुश किया और बाईं तरफ को झुकावा और बाईं एल्बो भी मुड़ी इनकी एक दो बार, देखते हैं। एक रेफरी ने कहा नो लिफ्ट, दो ने कहा गुड लिफ्ट, रेफरीज को हाथ दिखा रहे हैं कि मेरी एल्बो पूरी नहीं खुलती है, डिफॉर्मिटी है। बारबेल गिर की, क्लीन की, अच्छी क्लीन, लेकिन अभी भी बारबेल तिरछी, लेफ्ट साइड को झुकी हुई और लेफ्ट बार बाजू पे ज़्यादा वजन, लेकिन इस बार जर्क करने में सफल, अच्छी जर्क, गुड लिफ्ट, कोई संशय नहीं इसमें, तीनों वाइट। आए पैर पटकते हुए बारबेल को पकड़ा, पोजीशन ली इन्होंने क्लीन एंड जर्क के लिए और ये क्लीन लेकर खड़े हुए, आसान क्लीन 116 किलोग्राम की, जर्क, लेकिन जर्क में थोड़ी सी लापरवाही मुझे लगता है और बारबेल आगे रहा, बैलेंस और नहीं होल्ड कर पाए, ये नो लिफ्ट करार दी रेफरीज ने। 204 किलो टोटल कर चुके हैं, 90 किलोग्राम इन्होंने स्नैच की थी, अब ये बढ़ाने का प्रयास, लेकिन नहीं, बिल्कुल पुल नहीं कर पाए, कोई इनका सफल प्रयास नहीं रहा। ये पहला प्रयास क्लीन एंड जर्क, तेज आवाज़ निकाली और कंसंट्रेट किया, बार ग्रिप की इन्होंने, पुल स्टार्ट किया, ये क्लीन, इजी क्लीन, जर्क की तैयारी, कंसंट्रेट किया, डिप और ये पुश, बहुत सुंदर बैलेंस्ड पुश, अच्छा लॉक,
एल्बो और ये गुड लिफ्ट विजय कुमार की। धीरे धीरे बढ़ता हुआ दूसरा प्रयास इनका क्लीन एंड जर्क का। पोजिशन ली कंसंट्रेट करते हुए और स्टार्ट बड़ा मुश्किल, कोई पुल नहीं आया, होल्ड नहीं कर पाए उसको कंधे पे और गिरा दिया। नो लिफ्ट 35 सेकंड में पूरा करना है, एक मिनट मिलता है, 30 सेकंड उन्होंने बारबेल तक आने में गंवाए। अब बारबेल को ग्रिप कर रहे हैं लेकिन काफ़ी समय होता है 30 सेकंड एक लिफ्ट पूरी करने के लिए। कंसंट्रेट करते हुए एकाग्रचित होने की कोशिश, बारबेल का रूट बनाते हुए कैसे उठाना है। और ये क्लीन की इन्होंने, थोड़ा मुश्किल क्लीन, ज़रूरी उठने में दिक्कत, उसको थ्रो करके बारबेल को एडजस्ट किया। और ये पुश, और अच्छा पुश, बहुत पावरफुल पुश गोलम टिंकू का, सफल प्रयास। संकेत ने 100 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक स्नैच में उठाया था और ये अच्छी क्लीन इनकी जर्क की तैयारी पुश। और नहीं, वेट आगे रहा, बारबेल नहीं बैलेंस कर पाए, आगे गिरा और ये असफल प्रयास संकेत सरगर का, महाराष्ट्र के प्रतियोगी का। अपनी पोजीशन लेते हुए शुरू की और एक क्लीन की, आसान सी क्लीन, जर्क अच्छी, जर्क सुंदर बैलेंस्ड और ये अच्छा प्रयास इनका सफल। लेकिन 119 किलोग्राम भार, मुझे लगता है कि लगातार दूसरा प्रयास इनका, लेकिन 2 मिनट का समय देना चाहिए था। क्लीन की इन्होंने अच्छी क्लीन और ये जर्क, देखते हैं क्या जजमेंट होता है। गुड लिफ्ट लगती है, होल्ड करने में सफल रहे, लॉक करने में सफल रहे एल्बो। पहले 2 प्रयासों में 115 किलोग्राम उठा पाए थे, ये तीसरा प्रयास 119 किलोग्राम मांगा है। कंसंट्रेट कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं, बारबेल का रूट बना रहे हैं, ऐसे उठाना है। एक्शन किया खाली से और ये पुल किया, ये क्लीन। इनकी वही समस्या है, लेफ्ट साइड को बार झुकी रहती है, एल्बो पे ज़्यादा वजन आता है लेफ्ट पे और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन नहीं, इस बार सक्षम रहे उसको क्लियर करने में प्रॉब्लम को। और ये गुड लिफ्ट, बारबेल को चूमा, भगवान का धन्यवाद भी करा होगा इन्होंने। 119 किलोग्राम उठाने की कोशिश क्लीन जर्क में। पहले 93 किलोग्राम 93 किलोग्राम स्नैच में उठा पाए थे और 115 किलोग्राम जर्क में उठा चुके हैं, 208 किलो टोटल कर चुके हैं। ये प्रयास असफल, 119 किलोग्राम नहीं उठा पाए और कुल भार इन्होंने 208 किलोग्राम उठाया कंबाइंड टोटल। 120 किलोग्राम वजन, 35 सेकंड बाकी, आराम से कर लेंगे इस समय में, कोई चिंता नहीं इस समय की। कंसंट्रेट कर रहे हैं, शुरू किया पुल और ये कंधे पे लेके खड़े हुए, क्लीन की अच्छी क्लीन, जर्क की तैयारी डीप और ये पुश, अच्छा पुश, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा था लेकिन संभाल लिया और ये सफल प्रयास कोजुम गाड़ी का। अब आ रहे हैं महाराष्ट्र के प्रतियोगी प्रशांत सुरेश कोहली। और जो बेस्ट एक एक लिफ्ट होती है उसका टोटल जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको विनर घोषित किया जाता है। प्रशांत ने ये क्लीन की, अच्छी क्लीन, जर्क की तैयारी, जर्क की यू नो स्क्वाट जर्क, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए, ग्रिप भी बहुत चौड़ी। अब आ रहे हैं करण लहरे, पहले सफलतापूर्वक 115 किलोग्राम क्लीनर जर्क में उठा पाए थे, अभी बारबेल को पकड़ते हुए मजबूती के साथ कुछ सोच विचार, कैसे करना है मुझे, कितनी ताकत लगानी है, किस स्पीड से खींचना है। लेकिन मुश्किल लग रहा है, गिरा दिया,
ज़्यादा डीप चले गए और वहाँ से रिकवर करना मुश्किल हो गया। नो लिफ्ट में पैर पटका, आवाज़ निकाली, किसी तरह कोशिश इसको सफल करने की, 120 किलोग्राम को सफलतापूर्वक उठाने की कोशिश। करण लहरे छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी, पोजीशन ली, पुल स्टार्ट किया, नौ फिर डीप गए और नहीं उठा पाए, लेकर खड़े नहीं हो पाए, नो लिफ्ट। प्रशांत सुरेश कोहली महाराष्ट्र के प्रतियोगी, 120 किलोग्राम भार, पहले दो असफल प्रयास कर चुके हैं 120 किलोग्राम पर, अगर ये तीसरा प्रयास नहीं सफल होता तो ये प्रतियोगिता से बाहर। लेकिन अच्छी स्नैच की 104 किलो की, इसमें भी पुरजोर कोशिश, बहुत वाइड ग्रिप पकड़ते हैं जिससे एल्बो पे लोड बढ़ जाता है, और ये बैठे स्क्वाट किया और खड़े भी हुए हैं, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश, ट्रम्बलिंग हो रही है, लेकिन रेफरी ने कहा डाउन, और ये सफल प्रयास इस बार इनका। 45 सेकंड बाकी विजय कुमार के लिए, दूसरा प्रयास इनका। पहले प्रयास में 117 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में सफलतापूर्वक उठा चुके हैं, और शुरू की क्लीन करने की कोशिश, लेकर खड़े तो हुए, लेकिन और ये जर्क में लड़खड़ाते हुए, कभी दाएं कभी बाएं, नहीं रोक पाए, नहीं बैलेंस बना पाए, ये असफल प्रयास। अरुणाचल के प्रतियोगी कोलम टिंकू, तीसरा प्रयास 122 किलो पर, और कुल भार इन्होंने अब तक उठाया 211 किलो, तीसरा प्रयास अगर सफल होता है तो 215 किलो हो जाएगा इनका कुल भार स्नैच और जर्क मिला के। पोजीशन ली इन्होंने और एकाग्रचित कर रहे हैं अपने आप को, सोच रहे हैं कैसे क्या रूट बनाना है बारबेल का। दोबारे पोजीशन ली, ग्रिप की, और ये क्लीन लेकर उठने की कोशिश, मुश्किल से उठ पाए हैं। बारबेल को एडजस्ट करेंगे थ्रो करके, ये एडजस्ट की, कंसंट्रेट कर रहे हैं एक बार फिर जर्क के लिए डीप, और ये जर्क, और बहुत सफल अच्छी जर्क कर पाए, जैसे कि मुश्किल क्लीन हुई थी उस हिसाब से, और सल्यूट करते हुए जनता को, बहुत सफल प्रयास, 3 वाइट्स। अब आ रहे हैं आर माधवन तमिलनाडु के प्रतियोगी, 45 सेकंड में लिफ्ट पूरी करनी है इनको, एक मिनट का समय था इनके पास। ग्रिप किया, कंसंट्रेट किया बाल गोल को, और ये पुल क्लीन लेकर खड़े हुए, आसान क्लीन, जर्क की तैयारी, डिप और पुश, अच्छी डिप, अच्छा पुश, और ये बहुत अच्छी जर्क कर पाए, सफल प्रयास। 30 सेकंड बाकी, आसानी से इस समय में ये लिफ्ट की जा सकती है, बेल्ट को अच्छी तरह से संभाला, बारबेल सेंटर में खड़े हुए, घुमाकर देखा कि कहीं अटक तो नहीं रही है, और ग्रिप की, कंसंट्रेट कर रहे हैं, और ये क्लीन, लेकिन पुल नहीं आया, अच्छी तरह से कंधे पे होल्ड नहीं कर सके, और ये नो लिफ्ट। और अब आ रहे हैं विजय कुमार महेश्वरी छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी, इनका तीसरा और अंतिम प्रयास है, 122 पर इन्होंने कोशिश की थी, नहीं उठा पाए थे, एक किलो बढ़ा दिया, 117 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठा चुके हैं, ये भी क्लीन करने की कोशिश, मुश्किल क्लीन, लेकर खड़े हुए, बार को उछाल कर एडजस्ट किया, कंसंट्रेट कर रहे हैं, जर्क की तैयारी इनकी, डिप और ये जर्क, अच्छी जर्क, सुंदर जर्क, आगे आगे बैलेंस भी किया और खुशी से जंप। 125 किलोग्राम मांगा है, 28 सेकंड बाकी, एक मिनट का समय इनको मिला था, उसमें से 25 सेकंड बचे हैं अभी, उसी में पूरा करना है इनको ये प्रयास, और ये ग्रिप किया बारबेल को, 125 किलोग्राम भार, पहले 120 किलो उठा चुके हैं सफलतापूर्वक, लेकिन नहीं, इसमें असफल प्रयास इनका, क्लीन नहीं कर पाए, पुल ठीक से नहीं आया, और ये नो लिफ्ट। पहले दो सफल प्रयास कर चुके हैं, 119 किलोग्राम उठा चुके हैं, अभी 125 किलोग्राम मांगा है इन्होंने, ये पुल किया क्लीन, उठे मुश्किल से उठ पाए हैं, ये जर्क नहीं, पूरा पुश नहीं लगा, वेट ऊपर तक नहीं गया, एल्बो लॉक नहीं हुई, इसलिए नीचे आ गया, और ये नो लिफ्ट। तीसरा और अंतिम प्रयास है क्लीन एंड जर्क का, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे, अपनी भरसक प्रयत्न इनका होगा कि इसको उठा पाएं ठीक से। 24 सेकंड बाकी हैं, बारबेल को ग्रिप किया, आवाज़ निकाली तेज़ी से, अपने आप से संतुष्ट नहीं है, और ये क्लीन का शुरू, लेकर बैठे, बहुत कोशिश के बाद जोर लगाकर उठ पाए, लेकिन अच्छा प्रयास है, और ये जर्क
लेकिन नहीं, लेफ्ट एल्बो धोखा दे गई, उसको पूरा नहीं लॉक हुई और ये जर्क गिर गई इनकी। नो लिफ्ट पीयूष सिंह ने 105 किलोग्राम का स्नैच का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो अगली लिफ्ट में राजेंद्र प्रसाद ने उसको तोड़ दिया था और पैर पटका बड़ी तेज़ी से, कंसंट्रेट किया, जोश में स्नैच का रिकॉर्ड बना चुके थे, तीनों लिफ्ट स्नैच की पास की। ये पहला प्रयास 126 किलोग्राम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, रूट बारबेल का कैसे पुल करना है, पुल किया लेकर खड़े हुए, अच्छी इजी क्लीन और जर्क की तैयारी, ये डिप लेने की तैयारी और उसके बाद पुश, डिप और पुश, और बहुत अच्छा डिप और पुश, बैलेंस्ड पुश, बहुत इजी लॉक, गुड लिफ्ट, गुड लिफ्ट। और ये हमारे दर्शक, उत्साहित दर्शक बोध गया के, काफ़ी सुबह से जमे हुए हैं इधर, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, मुन्ना नायक, इन्होंने स्नैच के रिकॉर्ड की 106 किलोग्राम के बराबरी की थी और ये पहला प्रयास 128 किलोग्राम पर क्लीन इंजर का, बारबेल को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए घुमा कर देखा कि कहीं अटक तो नहीं रही है, रिवॉल्विंग बारबेल, स्मूथ बारबेल है, कंसंट्रेट किया, ये क्लीन, इजी क्लीन, कंपैरेटिवली इजी क्लीन मुन्ना नायक द्वारा। और ये जर्क बहुत अच्छी, सुंदर जर्क, आसान जर्क, बहुत अच्छे प्रतियोगी, सफल प्रयास, पहले 123 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठा चुके हैं क्लीन एंड जर्क में, पहले प्रयास में, ये दूसरा प्रयास है, 6 किलो बढ़ाकर मांगा है, 20 सेकंड बाकी, पुल किया लेकर बैठे, उठने का प्रयास थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई लेकिन अंततः सफल। और अब जर्क की तैयारी, डिप और जर्क, ये डिप और ये डिप का प्रयास रह गया इनका, ये असफल प्रयास माना जाएगा। और अब आए हैं एक बार फिर तमिलनाडु के प्रतियोगी आर माधवन, तीसरा और अंतिम प्रयास 129 किलोग्राम पर, और ये क्लीन की, आसान सी क्लीन माधवन की, एकाग्रचित पिश, ये और नहीं उठा पाए, ये डिप लिया, पुश किया लेकिन नहीं उठ बैलेंस बना पाया और ये असफल प्रयास। एक बार फिर संकेत सरगर, महाराष्ट्र के प्रतियोगी, तीसरा अंतिम प्रयास 130 किलोग्राम, इससे पहले 119 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठा चुके हैं क्लीन एंड जर्क में, पांचवें नंबर पर चल रहे हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में। ए ग्रुप 55 किलोग्राम मैन भार वर्ग की प्रतियोगिता शुरू की, क्लीन की, आसान सी क्लीन, देखते हैं जर्क के लिए क्या कर पाते हैं, ये डिप और ये पुश, लेकिन नहीं होल्ड कर पाए, हाथ सीधे नहीं हो पाए, एल्बो लॉक नहीं हुई और ये नो लिफ्ट इनकी। और अब एक बार फिर आ रहे हैं पीयूष सिंह, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी, और अब 131 पर दूसरा प्रयास, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से, बारबेल की तरफ ग्रिप करते हुए और थोड़ा सा एकाग्र करने की कोशिश अपने आप को, बारबेल का रूट सोचते हुए शुरू की क्लीन, लेकिन थोड़े से डगमगाए और खड़े हो गए लेकर, आसान तो नहीं थी, कंसंट्रेशन जर्क के लिए, बारबेल को एडजस्ट किया, कई बार ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो चक्कर तक आ जाते हैं प्रतियोगी को उसके लिए। और ये थ्रो जर्क का, लेकिन फॉरवर्ड गया और बैलेंस नहीं बना पाए, रोक नहीं पाए उसको, और ये नो लिफ्ट। और एक बार फिर आए पीयूष सिंह, लगातार दूसरी बार, दो मिनट का समय मिला था, तीसरा और अंतिम प्रयास इनका 131 किलोग्राम पर, दूसरे प्रयास में ये इसको नहीं उठा पाए थे, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं इस प्रतियोगिता में, पहले नंबर पर आने की कोशिश, चैंपियन बनने की कोशिश पीयूष सिंह की, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी। एकाग्रचित होने का प्रयास, 17 सेकंड बाकी, शुरू की और ये नहीं, क्लीन ही नहीं कर पाए इस बार, क्लीन ही नहीं कर पाए, असफल प्रयास। और अब आ रहे हैं एक बार फिर मुन्ना नायक, उड़ीसा के प्रतियोगी, बिब नंबर 6,
दूसरा प्रयास 135 किलोग्राम पर, पहले प्रयास में 128 किलो उठा चुके हैं, 135 किलो मांगा है। इसको उठाने के बाद इनका लगता है कि पक्का हो जाएगा पहला स्थान इस प्रतियोगिता में। आसान सी क्लीन की इन्होंने जर्क की तैयारी में, डिप और ये पुश, और नहीं पूरा ऊपर नहीं फेंक पाए, पूरे एल्बो लॉक नहीं हुए, जर्क गिर गई, नो लिफ्ट मुन्ना नायक की। विक्ट्री सेरेमनी 55 किलोग्राम्स यूथ मैन फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल, और इसके रिजल्ट्स हैं गोलुम टिंकू अरुणाचल के फर्स्ट, अभिषेक महाजन महाराष्ट्र सेकंड, और शंकर लापुंग अरुणाचल के थर्ड। ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला, इन्होंने कुल भार उठाया 208 किलोग्राम, और सिल्वर मेडल गया महाराष्ट्र को, अभिषेक महाजन ने रिप्रेजेंट किया महाराष्ट्र, कुल भार उठाया 209 किलो, एक किलो ज़्यादा सिर्फ, एक किलो से डिसाइड हुआ सेकंड और थर्ड प्लेस। बहुत तगड़ा कंपटीशन दोनों प्रतियोगितों में, यूथ कैटेगरी 55 किलोग्राम्स मैन, और चैंपियन और गोल्ड मेडल मिला गोलम टिंकू, चैंपियन बने और अपनी स्टेट अरुणाचल का नाम रोशन किया। अरुणाचल प्रदेश पहले भी अच्छे प्रतियोगी देता रहा है, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है, और वहाँ से मिजोरम से, मणिपुर से, मेघालय से, अरुणाचल से बहुत नेशनल चैंपियंस और इंटरनेशनल एथलीट्स तैयार किए हैं वेटलिफ्टिंग में। अब तैयारी है 55 किलोग्राम्स मैन जूनियर्स की प्रतियोगिता की, जो पारितोषिक वितरण है उसकी। हमारे तीनों प्रतियोगी आपके समक्ष, फर्स्ट प्लेस मुन्ना नायक उड़ीसा, सेकंड पीयूष सिंह एमपी, और आर माधवन तमिलनाडु के तीसरे स्थान पर रहे, ब्रॉन्ज मेडल के हकदार बने, अपने स्टेट का नाम रोशन किया। तमिलनाडु वैसे भी अच्छे वेटलिफ्टर्स देती रही है पास्ट में, 5 किलोग्राम ज़्यादा, और उसने इनको सिल्वर मेडल दिया। ये देखिए, ये चीफ गेस्ट मैडम पारितोषिक वितरण करते हुए, और चैंपियन एंड गोल्ड मेडल उड़ीसा के मुन्ना नायक, इन्होंने 234 किलोग्राम कुल भार उठाया, और इसमें एक रिकॉर्ड भी बना